अमरनाथ यात्रा इस साल जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने यात्रियों की जरूरत के हिसाब से श्रीनगर में विमान सेवाएं बढ़ाने समेत कई निर्देश दिए। इसके साथ ही 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई पर 100 बेड हॉस्पिटल बनाने को भी कहा गया है। रास्ते में यात्रियों को रुकने के लिए टेंट सिटी की व्यवस्था की जाए, साथ ही भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जाए। रास्ते में लाइट के लिए पूरी व्यवस्था के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बैठक दो चरण में हुई। पहले चरण में करीब 45 मिनट तक बैठक चली। ये यात्रा 2 साल बाद शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुलभ बनाने के लिए जम्मू कश्मीर शासन और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस साल रिकॉर्ड यात्रियों के आने के अनुमान पर सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य प्रबंध मजबूत बनाए जा रहे हैं। शिव भक्तों की सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यात्रा रूट पर पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ के साथ 800 डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ यात्रा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे चिकित्सा केंद्रों का विस्तार करने के साथ श्रम शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भी हाल ही में इसी मुद्दे पर बैठक भी की थी। गृह सचिव भल्ला ने अब तक 2 ऐसी बैठकें की हैं। माना जा रहा है कि बीते हफ्ते जम्मू और कश्मीर में एक के बाद एक हुई हिंसक घटनाओं के चलते भी सरकार सतर्कता बरत रही है।